अच्छी मूवी है। हाँ टॉपिक काफ़ी अच्छा लिया, कॉन्सेप्ट अच्छा है उसका, स्क्रीन प्ले अच्छा है, बट स्टोरी थोड़ी स्लो कर दी उन्होंने। क्या कॉन्सेप्ट लिया है उन्होंने रिलीजन के ऊपर, थोड़ा पॉलिटिक्स डाल दिया उसमें, थोड़ा अयोध्या का मुद्दा ले लिया उन्होंने, तो कहानी ठीक है और एक्टिंग वाइज भी अच्छा है, सब लोगों ने अच्छा काम किया है। डायरेक्शन की बात की जाए, हाँ डायरेक्शन भी अच्छा है। कितना रेटिंग देना चाहिए आउट ऑफ फाइव? आउट ऑफ फाइव 3 दे देना। थैंक यू। ठीक है, टाइम पास नॉट गुड, एक्टिंग वाइज अच्छी फिल्म है, कोई स्टोरी लाइन अप नहीं है, डायरेक्शन अच्छा है, जितने भी एक्टर्स हैं सनी पाजी है, साक्षी तंवर है, सब ने काम अच्छा किया, क्योंकि जितने भी थिएटर आर्टिस्ट हैं सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और कुछ सोशल मैसेज नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है कि कहानी किसी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू हुई और एंड में कुछ अच्छा एंड देना दिखाया। धर्म को लेके कुछ बातचीत की गई है, राजनीतों को कुछ बातचीत की गई है, कांग्रेस और लाइक बीजेपी को लेके कुछ बातचीत की गई है, कोई लाइक मुझे कोई विजन नहीं लगा फिल्म का। और गाली यूज़ की गई है और लाइक वो कहते हैं वहाँ का वो फेमस ही है गाली तो, बट हर जगह यूज़ करना उसका मुझे कोई लाइक तुक नहीं लगा उस बात का। हाँ एक सोशल मैसेज था कि लाइक अंग्रेज़ी और हिंदी का और संस्कृत का जो बता रहे थे, हाँ लैंग्वेज सीखनी चाहिए, अच्छा है, और कोई भी लाइक आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो उसके लिए लैंग्वेज अच्छी है तो सीखनी चाहिए। एज आई सेड सी सेंसिटिव टॉपिक्स काफ़ी सारे चुने गए उन्होंने, उन्हें एक दिखाना चाहिए था या दो तीन, बट सबको जेला मिक्सअप कर दिया, तो दैट इज़ वेयर द स्क्रिप्ट, दैट इज़ वेयर द फिल्म वेंट डाउन, यू नो। आई वॉज एक्सपेक्टिंग वे मच फ्रॉम सनी देओल एंड साक्षी तंवर बीइंग इन द फिल्म, बट ठीक है, उतना सेटिस्फाइंग नहीं था। एग्जैक्टली सनी देओल हुज़ प्लेइंग पंडित इन दिस फिल्म, एंड क्योंकि बनारस में पूरा शूटिंग किया है, द लोकेशंस कुड हैव बीन इन द फेवर ऑफ द फिल्म, लेकिन उतनी बखूबी या उतने उमदा तरीके से नहीं दिखाया गया, उसी की वजह से फिल्म लैक हुई है। अगर डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट को लेकर, अपने कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर होते तो आई थिंक द फिल्म कुड हैव बीन अ बेटर वन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक 2 stars out of 5, दैट्स इट। मोहल्ला फिल्म बहुत अच्छी है, जिस तरीके से सनी ने इसमें एक्टिंग किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी है। बनारस जैसा है वैसा ही फिल्म के अंदर दिखाया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा फिल्म में गाली गलौज कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल किया है, तो ओवरऑल ठीक है। नेटिव की लैंग्वेज है जैसे कि उन्होंने कहा गया है तो, लेकिन कई जगह मुझे लगा कि ये बेफालतू की जगह है जहाँ गाली की ज़रूरत नहीं थी पर वहाँ यूज़ की गई है, तो गालियाँ कुछ ज़्यादा लगी मुझे। बस हाँ काफ़ी अलग फिल्म में एक्ट करते नज़र आए, वो काफ़ी कम नज़र आते इस तरह की फिल्मों में एक्ट करते हुए, सो उन्होंने एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरे इस फिल्म में, जो 2.5 किलो का हाथ वाले डायलॉग्स तो नहीं थे पर एक्टिंग काफ़ी हद तक दिखी है मुझे। आउट ऑफ 5 2.5। ऐसे और बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए देखते रहिए चिलैक्स।